एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रीमा। हम इसमें क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम कौन कौन से तरीके हैं जिससे एग्रीकल्चर करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे एग्रीकल्चरल खेती कैसे होती है, ये हमें इसमें पढ़ना है। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतू लोग, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते हैं या रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, उनको नोमैडिक कहा जाता है। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये ऐसे लोग हैं जो कि ग्रुप में अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने रिलेटिव इन सब के साथ ग्रुप में ये एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर के सर्च में ये घूमते हैं। दे एट रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। ये बाद में इन्होंने कच्चे फल और सब्जियों खाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये एनिमल्स को भी खाते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे सीखा कि कैसे हम राइस को, राइस वीट या अदर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। धीरे धीरे इन्हें आ गया, इसी तरीके से एग्रीकल्चर का स्टार्टअप हुआ। नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब हम किसी एक जगह पे एक ही टाइप के बहुत सारे पौधे लगाते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप यानी फसल होता है। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ वीट। क्रॉप ऑफ वीट का मतलब होता है गेहूं की फसल, ठीक है। मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, मतलब उस खेत में या उस क्षेत्र में जो भी फसल उगाई गई है वो किसकी है, वीट की है। You already know that crop are of different type like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. हमें पहले ही पता है कि क्रॉप जो होते हैं अलग टाइप के होते हैं, फसल अलग अलग तरीके की होती है। सीरियल्स यानी अनाज वाले फसल, वेजिटेबल्स जिनसे हमें सब्जियाँ मिलती हैं, फ्रूट्स ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं। तो दीज कैन बी क्लासीफाइड, इनको हम क्लासीफाइड करते हैं जिस सीज़न में ये ग्रो करते हैं उनके अकॉर्डिंगली। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक रीज़न से, रीज़न ये नहीं होता क्षेत्र, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या वेरी करता है, अलग अलग होता है सेम टाइम पे। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेराइटी की क्रॉप्स को उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। यार इस बड़ी डाइवर्सिटी के अलावा इंडिया में दो तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है, मतलब कि फसल उगाने के दो तरीके हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स हमसे कहते हैं जो जिन क्रॉप्स को हम बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम विंटर सीज़न में ग्रो कराते हैं। तो यहाँ देखते हैं, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीज़न आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम, ऐसे फसल जिनको हम बारिश के सीज़न में लगाते हैं, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इंडिया में बारिश का सीज़न जो है जून से सेप्टेम्बर तक का होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये खरीफ क्रॉप्स के सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये बारिश के सीज़न में लगाए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स जो है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीज़न अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो कि अक्टूबर से मार्च तक यानी विंटर सीज़न में लगाए जाते हैं, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसिड। ये सभी एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के। नेक्स्ट है, बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। गर्मियों के दिन में कई जगह पे
इन सब के अलावा पल्सेस यानी दाल सब्जियां भी उगाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और क्या क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उगाने के क्या प्रैक्टिसेस है, कौन से मेथड है, इसको हमें इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बूझो जो है वो क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी यानी होता है धान, धान को हम ठंडियों में क्यों नहीं उगा सकते, क्यों हम धान को सिर्फ गर्मियों में ही उगाते हैं, ग्रो कराते हैं। तो आंसर है यहाँ पे, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। धान की खेती करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है उन्हें। देयर फोर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए इनको सिर्फ बारिश के ही सीज़न में लगाया जाता है, क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसे ठंडियों में नहीं ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन यानी होता है कृषि या खेती। जब हम क्रॉप्स को खेती करते हैं फसल को उगाने के लिए, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि किसानों के द्वारा की जाती है, उन सब के बारे में आपको उसमें पढ़ना है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाई अ गार्डनर और इवन बाई यू वेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे हम अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स डेकोरेटिव प्लांट लगाते हैं अपने घर में, या कोई माली जो है अपने यहाँ पे पौधा लगाता है, ये सेम प्रैक्टिसेस फार्मर भी करता है, पर फार्मर बहुत सारे फसलों के लिए करता है और हम सिर्फ लिमिटेड सिर्फ एक या दो पौधों के लिए करते हैं। तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। इन्हीं एक्टिविटीज़ को, इन्हीं टास्क को जो कि हम फसल को लगाने के टाइम पे करते हैं, इसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और यहाँ पे इसकी लिस्ट दी हुई है, पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सोइंग यानी उसमें बीज डालते हैं। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर उसमें मैन्योर खाद डालते हैं उसमें। फिर फोर्थ स्टेप करते हैं इरीगेशन यानी सिंचाई करते हैं। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स यानी जो घास होते हैं जो फसल के साथ आ जाते हैं, जो अनवांटेड क्रॉप वीड्स होती हैं, उनको हम रिमूव करते हैं, उनको हटाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग होता है जब फसल पक जाती है तो उनकी कटाई करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एंड लास्ट स्टेप है स्टोरेज, जब अनाज हमने इकट्ठा कर लिया तो उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं गोडाउन वगैरह में स्टोर करते हैं, ताकि हम उसे बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकें। बाकी के पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।